आज हम बनाएंगे पुदीना मसाला और ये बहुत ही इजी है बनाने में और इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम टू इंडियंस किचन। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम ये पुदीना डालेंगे। ये ड्राई पुदीना है तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह का ड्राई पुदीना होना चाहिए और ये एक कप है और इसे मैं मिक्सी जार में डाल दूंगी। इसमें हम 2 टीस्पून जीरा डालेंगे। तो ये रोस्टेड जीरा है, मैंने इसको तवे पर थोड़ा सा सेक लिया था। ये डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये 5 इलायची हैं, हरी इलायची, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, इसे भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे। 1 टुकड़ा मैं यहाँ पर हींग का डाल रही हूँ, ये चने के बराबर का है। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो 1/4 टीस्पून हींग। 2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे इसमें, साथ ही में 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद नमक ऐड करेंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पुदीना मसाला बनकर तैयार है। सूखा पुदीना घर पे कैसे बनाया जा सकता है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं उसमें इसका लिंक दे दूँगी। इस तरह से आप पुदीना मसाला को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि आप इसे किसी भी तरह के रायते में डाल सकते हैं, आप इसे सॉल्टेड लस्सी में डाल सकते हैं, आप इसे पराठे में डाल सकते हैं, पूरी में डाल सकते हैं, और अगर आप आलू जीरा बना रहे हैं उसमें इसे डाल सकते हैं, आप इसे सैंडविच के ऊपर डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार बना के रख लें और एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर लें और ये साल भर भी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।